बात बाढ़ बारिश ही करेंगे। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जो इस वक्त बाढ़ से परेशान है और नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। कई जगहों पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कई जगहों पर तो स्थिति ऐसी है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर लोगों को खाने पीने की दिक्कत अब होने लगी है। बारिश, बाढ़, लहरों की तूफानी रफ्तार और हर तरफ हाहाकार। सैलाब की चक्रव्यूह ने इंसानों को किस कदर बंधक बनाया है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। बाढ़ की चपेट में यूपी का एक चौथाई हिस्सा डूब चुका है। 800 से ज्यादा गांव जल समाधि ले चुके हैं। हजारों लोग अपना आशियाना खो चुके हैं। नेपाल में पहाड़ों पर हो रही बारिश से राप्ती नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है। ये तस्वीरें बलरामपुर की है, जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। पानी में फंसे इन लोगों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। सिद्धार्थनगर के हालात भी कुछ ऐसे ही है। बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों की मदद में जुटी है। इस जिले के करीब 350 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। नेपाल से बहने वाली दो नदियां बूढ़ी राप्ती और राप्ती, जिस तरीके से पानी बढ़ी हुई है, उस तरीके से पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया है। ताबू के तरह पानी दिखाई दे रहा है चारों तरफ से। आसमानी आफत से हर कोई परेशान है। बदायूं से गोंडा तक लोग इतने परेशान हैं, इतने बेहाल हैं कि नाव के सहारे जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश ने जीवन को बेपटरी कर दिया है। नाव पर दुल्हन की विदाई, बोट पर बारात, मझधार में फंसी बस, ये देश के सबसे बड़े सूबे की तस्वीर है। बदायूं से लेकर गोंडा, बरेली से लेकर इटावा, हर तरफ पानी की मार है। बदायूं की इन तस्वीरों को देखिए, जहां नाव पर दुल्हन की विदाई हुई। बाढ़ का पानी पार कर दुल्हन अपने साजन के घर पहुंची। ऐसा ही हाल गोंडा का भी है, जहां नाव पे बैठकर दुल्हा अपने ससुराल पहुंचा और नाव में ही दुल्हन को अपने साथ लाया। घाघरा और सरयू नदी का जल स्तर बढ़ने से 15 गांव बाढ़ की चपेट में है। लोगों को खाने पीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बरेली में भी बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। हजारों एकड़ फसल डूब चुकी है। बरेली के नवाबगंज में एक मरीज को गहरे पानी में चारपाई पर ले जाया गया। इटावा की इन तस्वीरों को देखिए, मझधार में रोडवेज की बस फंसी हुई है। मैनपुरी फाटक अंडरपास में रोडवेज की बस फंस गई। बस में करीब 20 यात्री सवार थे, जो करीब 2 घंटे तक यात्रा मदद का इंतजार करते रहे। बात महाराष्ट्र की, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने करोड़ों की सौगात दी और इसके साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे ने ये वचन दिया कि इस बार भी जीत उनकी होगी, जिसको लेकर अब सियासत गर्म है। मुंबई दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाओं की सौगात दी है। साथ ही दावा किया है कि 10 साल में महाराष्ट्र में विकास की रफ्तार 3 गुना बढ़ी है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि मुंबई को दुनिया का फिनटेक कैपिटल बनाने का टारगेट है। मेरा लक्ष्य है मुंबई को दुनिया की फिनटेक कैपिटल बनाने का। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में एक बार फिर सरकार बनेगी। पुनः जिंकून दाखू विधानसभा महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी के मुंबई दौरे को लेकर उद्धव की शिवसेना ने सवाल उठाए। उद्धव की पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने रोजगार के मुद्दे पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में भारत देश में 8 करोड़ से ज्यादा नौकरियां मिली, इंसानों को मिली है, भूतों को मिली है, हम तो नहीं देख पा रहे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार मुंबई पहुंचे थे। मुंबई को उन्होंने 29,000 करोड़ से ज्यादा के बम्पर गिफ्ट दिए हैं। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के रिसेप्शन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और उनका स्वागत वहां पर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने किया। और उसके बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी करीब रात 8:30 बजे अनंत और राधिका के रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे थे। पीएम यहां करीब 2 घंटे 40 मिनट तक मौजूद रहे। मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने पीएम मोदी का स्वागत किया, उन्हें समारोह स्थल तक लेकर गए। इसके बाद पीएम मोदी ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और गिफ्ट भी दिए। पीएम मोदी रिसेप्शन में शामिल होने के चलते करीब 2.5 घंटे तक अंदर और बाहर मूवमेंट को रोक दिया गया था।
आपको बता दें कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को परिणय सूत्र में बंध गए थे और 13 जुलाई को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में रिसेप्शन पार्टी हुई, जिसमें राजनीति से लेकर फिल्मी जगत की हस्तियां शामिल हुई। पीएम मोदी के अलावा रजनीकांत, सलमान खान, शाहरुख खान, सानिया मिर्जा, जसप्रीत बुमराह, महेंद्र सिंह धोनी, पवन कल्याण, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी पार्टी में पहुंचे। वहीं विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन की तरफ से उनके घर पर नोटिस भेजा गया है, 7 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश है। दूसरी तरफ उनके मां पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, धमकाने के आरोप है, जिस मामले में उनकी तलाश तेज हो चुकी है। एक ट्रेनी अधिकारी और करोड़ों की संपत्ति पूजा खेड़कर, ये नाम इन दिनों खूब चर्चा में है। पूजा और उनके परिवार पर लग रहे आरोपों के बीच नगर निगम ने नोटिस भेजा है। पूजा खेड़कर के पुणे वाले बंगले के बाहर अतिक्रमण के आरोप लगे हैं। पूजा का ये बंगला पुणे के बाणेर इलाके में है। बंगले के सामने जो फुटपाथ है उस पर खेड़कर परिवार ने पौधे लगाए हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए पुणे नगर निगम ने बंगले पर नोटिस चस्पा किया है और 7 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने को कहा है। पूजा खेड़कर के पास करोड़ों की संपत्ति है, ये संपत्ति कहां से और कैसे आई, इसकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी भी गठित की है, जिसे 2 हफ्ते में रिपोर्ट देनी होगी। पूजा खेड़कर ने ओबीसी और बेंचमार्क विकलांग कोटे से आईएएस में नौकरी हासिल की। पूजा ने जिस ओबीसी कैटेगरी को चुना है उसकी सीमा 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है, यानी नॉन क्रीमी लेयर। इस सीमा से ऊपर कोई भी व्यक्ति नौकरी के लिए कोटा लाभ नहीं उठा सकता। फिर अब सवाल उठ रहा है कि पूजा को कैसे नौकरी इस कोटे में मिल गई। और उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 5 जिलों के जिलाधिकारी हटा दिए गए हैं और इसमें अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार भी शामिल हैं। अब उनको दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का एमडी बनाया गया है। नीतीश कुमार वो ही डीएम है जिनका हाल ही में अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास के साथ विवाद हुआ था। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से बीजेपी की हार के बाद राजू दास और डीएम नीतीश कुमार में बहस हुई थी। इसके बाद राजू दास की सुरक्षा भी वापस ले ली गई थी। महंत राजू दास ने अयोध्या में हार के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था। विवाद के बाद अब अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार को हटा दिया गया। नीतीश कुमार को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का एमडी बनाया गया है। नीतीश कुमार की जगह चंद्र विजय सिंह को अयोध्या का डीएम बनाया गया है। वह इंद्रमणि त्रिपाठी औरैया के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। बद्रीनाथ सिंह को सोनभद्र का डीएम बनाया गया है। दिव्या मित्तल को देवरिया जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा निधि श्रीवास्तव को बदायूं का डीएम बनाया गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल में सबसे चर्चित नाम अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार का है, जो पहले विवादों में रहे और अब उन्हें डीएम पद से हटाकर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का एमडी बनाया गया है। वहीं देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का वाकनक लंदन से भारत वापस आने वाला है, लेकिन इसको लेकर एक इतिहासकार ने वाकनक को नकली करार दिया है, जिसको लेकर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। शिवाजी महाराज का असली वाकनक कहाँ है, लंदन वाला असली है या फिर सतारा वाला, ये सवाल महाराष्ट्र के राजनीति में उठ रहे हैं। राज्य के इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने बड़ा दावा किया है, आरोप लगाया है कि जो वाघनख लंदन से लाया जा रहा है वो असली नहीं है। ये वाघनख शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारते वक्त यूज नहीं की हुई। इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। इस पूरे विवाद पर शिंदे सरकार की तरफ से सफाई दी गई है। जब विधानसभा में इतने स्पष्टता से बताने के बाद वहाँ पे कोई प्रश्न उपस्थित नहीं करना, बाहर आकर आप ऐसे सवाल उठाते हो तो आपकी नीयत क्या है, ये महाराष्ट्र निश्चित रूप से जानता है। वाघनख को लेकर सवाल उठाने वाले इंद्रजीत सावंत पहले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले उद्धव की पार्टी भी वाघनख की विश्वसनीयता पर सवाल के दायरे में ला चुका है। शुरू से कह रहे हैं कि यह वाघनख जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल की थी वह नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की निंदा की है। उन्होंने बयान दिया है कि मित्र ट्रंप पर हमले की निंदा करता, ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। आपको मालूम है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला हुआ है, वीडियो भी इसका सामने आया है और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी निंदा की है और जो कहना है उनका वो ये है कि मित्र ट्रंप पर हुए हमले की निंदा करता हूं। जख्मी हुए इस हमले में लेकिन सुरक्षित फिलहाल बताया जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप जो इस बार
राष्ट्रपति पद की दौड़ में भी हैं, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की है। कहना उनका कि मित्र ट्रंप पर हुए हमले की निंदा करता हूं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला हुआ एक जनसभा के दौरान और ब्लीडिंग होते हुए भी देखा गया। उस हमले के बाद एक हमलावर को मार गिराया गया। सीक्रेट सर्विस इसका पता लगाने में जुटी है कि हमलावर कौन थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी निंदा की है। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ईदगाह रोड इलाके के कई घरों में पानी घुस गया है, कई दुकानें भी जलमग्न हैं, उनमें भी पानी घुस गया है। सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूब गई हैं, जिसके चलते आवाजाही में खासा परेशानियां हो रही हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईदगाह रोड इलाके के कई घरों में पानी घुस गया है, कई दुकानें पानी में डूब गई हैं, सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए स्कूल बस भी यहां पर पानी में जलमग्न नजर आ रही है। लोगों को आवाजाही में खासा दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। कई फीट पानी यहाँ पर जमा है, कमर तक भी पानी यहाँ पर देखा जा रहा है। और देखिए इसी पानी के सैलाब में लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही है। खासा परेशानियां लोगों को यहां पर बारिश के चलते झेलनी पड़ रही हैं। घरों में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया है। ठाणे की ये तस्वीरें, चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और आप देखिए किस तरीके से लोग इसी पानी में आवाजाही को मजबूर हैं। दुकानों में भी पानी घुस गया है और साथ ही गाड़ियां यहां पर जलमग्न डूबी हुई नजर आ रही हैं। घरों तक में पानी घुस गया है।